हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 का जो आपका कंप्यूटर का पेपर होने वाला है, सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके हाफ ईयरली में इन इस सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर वाले पेपर में, इसको अपन IT कहते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर होगा बहुत ही शानदार होगा और आपका जो पूरा पेपर अच्छे से होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो कैसा आएगा सूचना प्रौद्योगिकी का, वो इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। मैं आपके सभी विषय के जो पेपर्स हैं वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर, अपना व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप भी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। मैथ्स में आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो सवाल की फोटो खींच कर भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो के रूप में। आइए अब अपन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो ये बिट इसमें सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। और ये पूछे कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, एक निबल, तो एक निबल में याद रखना 4 बिट होते हैं। एक बाइट में 4 बिट होते हैं जबकि एक निबल में बाइट में 8 बिट होते हैं जबकि एक निबल में 8 बिट होते हैं, तो ये 8 बिट याद रखना। ये मेमोरी की जो इकाई है, ये बिट, बाइट, निबल, आपके किलोबाइट, मेगाबाइट है ना, ये MB, GB, KB, ये सारे अपने होते हैं, तो टेराबाइट। आपसे कोई पूछे कि एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो उसमें आपको बताना है 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट आपको याद रखना है। और आपसे पूछे कि एक एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं, तो एक एमबी में 1024 आपके किलोबाइट होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे कि एक जीबी बराबर कितने एमबी होते हैं, कमेंट करके बताना एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड आपके इनपुट है, आउटपुट है, संग्रहण उपकरण है, क्या है, तो कीबोर्ड होता है उसको अपन इनपुट उपकरण कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस है, इसमें जो डाटा होता है सूचना होती है इसको अपन जो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो वो इनपुट के उपकरण के माध्यम से डालते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, माउस भी आपका इनपुट है, टच स्क्रीन जो है वो भी आपकी इनपुट है, अपन टच स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो वो आपका मोबाइल काम करता है तो वो इनपुट हो जाएगा, तो ये सभी आपके इनपुट के उदाहरण हैं। इसके अलावा आउटपुट उपकरण, तो आउटपुट उपकरण वे होते हैं जो सूचनाएं बाहर प्रदान करते हैं, जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आपके आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं, मॉनिटर हैं, तो ये सभी आपके आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पेज की आकृति हो सकती है, तो पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा हो सकता है, पोर्ट्रेट भी हो सकता है और लैंडस्केप भी हो सकता है ना, जिसको अपन आड़ा और खड़ा बोलते हैं वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो ये उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था, तो इसका नाम था आपके अपरानेट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपरानेट, आपको याद कर लेना है अपरानेट। आपको कमेंट करके बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न ये बार बार आता है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है या कंप्यूटर का दिमाग है वो किसको कहा जाता है, दोनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये अपने 4 प्रकार के होते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहा जाता है, तो इंटरनेट, ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है नेटवर्कों का नेटवर्क की, जिसको अपन इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट। अगला प्रश्न आपके कि किसी कागज़ पर छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है, तो जैसे मान लो अपन फोटोकॉपी करवाते हैं, तो फोटोकॉपी करवाते हैं वो हार्ड कॉपी होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहा जाता है। कागज़ पर कोई छपा होता है तो उसको अपन हार्ड कॉपी कहते हैं, जबकि उसका मोबाइल में कोई यहाँ पे PDF है तो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, वो क्या होती है, उसको अपन सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ये सॉफ्ट कॉपी होती है, जबकि आपके जो उसी सॉफ्ट कॉपी को अपन प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी में चेंज कर सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी प्रिंट निकाल सकते हैं। WWW की खोज किसने की, तो टीम बर्नर्स ली के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूरा नाम क्या होता है WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, बार बार परीक्षा में आता है। WWW का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड और वेब होता है।
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका ये है कि प्रमुख सर्च इंजन के आपको नाम बताना है। तो प्रमुख सर्च इंजन कौन से, सबसे फेमस जो है आपका गूगल है, गूगल बाबा सबसे फेमस है। सर्च इंजन में कोई भी आपको सर्च करना हो सीधा आप गूगल में ही जाते हैं, ये आप गूगल में जगह जाके सर्च करते हैं कि श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल, तो आपको सबसे पहले अपना जो चैनल वो देखने को मिलता है। तो आपको ये गूगल में सर्च करने पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। कोई सा भी टॉपिक आपको सर्च करना है तो आप गूगल में सर्च करते हैं तो उसका उत्तर आपको मिल जाता है। बिंग ये भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, इसके अलावा आपके बाइडू भी एक आपका सर्च इंजन है और यंडेक्स भी आपका सर्च इंजन है। देखो आपने नाम सुना होगा गूगल का, बिंग का और याहू का, ये आपने नहीं सुने होंगे तो ये भी आपके सर्च इंजन के ही उदाहरण। जैसे अपन गूगल में सर्च करते हैं वैसे ही बिंग में और याहू में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो इतने भी अपने काम में आए नहीं इसलिए इसको अपन जानते नहीं है। अपन तो बस गूगल बाबा को जानते हैं, जो भी सर्च करना हो बस गूगल पे लिखा और सारी चीज़ें अपने सामने हो जाती हैं। नेक्स्ट है 25-10 को द्विआधारी संख्या में आपको परिवर्तित करना। फिर आपका अगला प्रश्न है विपो का पूरा नाम बताइए और HTML का पूरा नाम बताइए। तो HTML का पूरा नाम क्या होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। एक तो ये HTML का पूरा नाम होता है, एक आपको HTTP का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, प्रोजेक्टर और मॉनिटर का आपको कार्य बताना है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, जिसमें आपके रैम रोम वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और रैम का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए और रोम का भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या होती है, ये रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है लैन की कोई दो विशेषता बताइए। तो पहले आपको लैन में परिभाषा विशेषता बताने से पहले इसका पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक तो ये लैन होता है एक वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये दोनों याद रखना, लैन और वैन, लैन वैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वो क्लोज संक्रियाओं को आपको समझाना है। अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको अपने ऐप के ऊपर डाल दूंगा, आप ऐप से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी किताब है ये सूचना प्रौद्योगिकी वाली। कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं आपको बताना है, यहाँ पे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं प्रत्येक आपको वर्णन करना है। अच्छा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, कमेंट करके आपको बताना है। ई लर्निंग और ई वाणिज्य को परिभाषित करना है और फिर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वाईफाई, देखो वायरलेस फिडेलिटी से वाईफाई का पूरा नाम आपको पूछ ले, आपके फ़ोन में भी है वाईफाई तो उसका पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का पूरा नाम होता है। रैम रोम का पूरा नाम आपको पता ही है, मोडेम और मोडेम का भी आपको जो पूरा नाम याद होना चाहिए, गेटवे नेटवर्क टोपोलॉजी, इनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। कट कॉपी पेस्ट रीनेम की प्रक्रिया को आपको समझाना है। सोशल मीडिया के उपयोग के लाभ और हानि आपको बतानी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सभी भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम को काम में लेते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सअप चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, ये सारे सारे आपके सोशल मीडिया के ही नाम हैं। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा सोशल मीडिया लगता है कमेंट करके बताना, कौन सा ऐप आपको सोशल मीडिया का सबसे अच्छा लगता है और आपका फेवरेट कौन सा है। जैसे मैंने आपको 4-5 नाम बताए, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये सारे आपके सोशल मीडिया के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके किन्हीं चार के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ईमेल के ऊपर लिखनी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है, WWW इसकी खोज टीम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी, और वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। HTTP ऊपर मैंने पूछा था इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम। इंटरनेट इसको नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होती है। वेबसाइट कोई भी आपको आंकड़े प्राप्त करने हैं, आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है तो आप किसी वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे और वो वेबसाइट आपको सारी उसकी जानकारी प्राप्त करवा देगी। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर के किन्हीं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको समझाना है। तो मैं आपको पूछता हूँ कंप्यूटर के आपको तीन तो आउटपुट बताने, तीन आपको इनपुट बताने हैं,
कमेंट करके बताना, जो क्वेश्चन इनके आंसर कमेंट करके बताएगा उसको जल्दी याद रहते हैं और वो बार बार एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है तो वो लिख लेता है। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और प्रस्तुतिकरण से क्या तात्पर्य है, किसी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किसी पेज पर हेडर और फुटर डालने की जो विधि है उसका वर्णन करना है। तो ये वाला जो पेपर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली के पेपर के लिए और आपके ईयरली के पेपर के लिए भी। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है ताकि आपका जो बाकी दो भाई बहन है उनका भी फायदा हो सके। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपके पास में एक किताब नहीं है सूचना प्रौद्योगिकी वाली तो कमेंट करके बताना, उसका जो PDF है मैं आपको ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ये सभी ज्वाइन कर लेना और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। जो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनकी जो क्वेश्चन के जवाब देता है उनको वो क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं और ज़्यादा याद होते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है, मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे और आपको याद नहीं है, तो आप उसको कहीं पे भी जो ढूंढें और उसका जो आंसर वो कमेंट करने की कोशिश करें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और गलत होगा तो मैं फिर आपको कमेंट के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से आपको वापस सही बता दूंगा। तो उसको आप ज़रूर कमेंट किया करें, जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ उससे आपका ही फ़ायदा है और आपका हौसला बढ़ता रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलता रहेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।